हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक का। और आज हम स्टार्ट करेंगे लेंज लॉ के बारे में पढ़ना। तो पिछले लेक्चर तक हमारे फेराडे भाई साहब ने एक्सपेरिमेंट करके हमें ये बता दिया था कि इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू ND∅/dt, और बोल सकते हैं इसको प्रिसाइसली या बहुत अच्छे से बोले तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। ये सारी बातें बता दी थी, फ्लक्स और फ्लक्स लिंकेज के बारे में भी हमने सीख लिया है। अब देखो मैं क्या करूंगा ना कि एक स्टोरी सुनाता हूं आपको। ये स्टोरी हाइपोथेटिकली मनगढ़ंत है ना, इसका सच्चाई से कोई भी वास्ता नहीं, काल्पनिक कहानी है। ये कहानी मैं सिर्फ इसलिए सुनाऊंगा ताकि आपको ये सारी चीज़ें लंबे समय तक याद रहे, ठीक है। बट ऐसा कुछ भी नहीं कि ये रियल स्टोरीज है, चलो है ना, देखते हैं। अब क्या हुआ था कि लेबोरेटरी में फेराडे भाई साहब ने एक्सपेरिमेंट किया 1831 में, और वो सपोज करते हैं कि वो अपने लैब में बैठे होंगे और एकदम काम खत्म करके, जैसे अपन चौड़ में नहीं बैठे रहते हैं, अरे पेन गिर गया, ठीक है, तो इस तरीके से बैठे थे वो कि पूरा काम तमाम हो गया है, चलो कि हमने इंड्यूस ईएमएफ दे दिया, बहुत बड़ी चीज़ दे दी दुनिया को। फिर उस लैब में एंट्री होती है लेंज लॉ की। ये सब काल्पनिक है ना, सच्चाई में समझना, ये सिर्फ समझाने के लिए। तो लेंज भाई साहब आए और उन्होंने बोला, सबसे पहले तो बधाई दी फेराडे को कि माइकल फेराडे बधाई हो, आपने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, बट आप यहाँ पर एक ट्रिक मिस कर रहे हैं। तो फेराडे बोले, क्या मिस करा? हमारा एक्सपेरिमेंट है और एक्सपेरिमेंटल सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि जो चीज़ हमने प्रूफ करी है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपके एक्सपेरिमेंट, लेंज बोले कि आपके एक्सपेरिमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया आपने और सारी चीज़ें, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज तो एक्सपेरिमेंटल है, उसमें कुछ भी फ्लो नहीं हो सकता, कुछ अजम्पशन नहीं हो सकता है, कुछ भी हम अपने से मान नहीं सकते हैं। बट लेंज ने बोला कि अगर इस एक्सपेरिमेंट को आप मैथमेटिकली ले जाओगे, क्योंकि ये जो आम जनता है ना, आप और हम जैसी जनता, इनको समझाना है अगर, तो आपको मैथमेटिकल प्रूफ देना पड़ेगा। तो फेराडे बोले, हाँ लेंज, बात तो तुम सही बोल रहे हो, मैथमेटिकल प्रूफ देना पड़ेगा, तो दे देंगे, क्या दिक्कत है? तो लेंज बोला कि एक दिक्कत है कि जो आपके इस कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है ना, ये क्या बोले लेंज भाई साहब, बोले कि इस कॉइल के अंदर करंट जो फ्लो कर रहा है इस मैग्नेट के मूवमेंट से, उस करंट का डायरेक्शन कैसे बताओगे आप? और करंट का डायरेक्शन तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस कॉइल के अंदर, इस कॉइल के अंदर किस पोलरिटी का इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हुआ होगा। इसकी तो दो पॉसिबिलिटी है, माइनस प्लस, प्लस माइनस, दोनों ही पोलरिटी। और यहां इंड्यूस ईएमएफ की अगर पोलरिटी चेंज हुई तो इसका मतलब है कि करंट के डायरेक्शन भी तो बदल जाएंगे। तो आपके एक्सपेरिमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपेरिमेंट ने तो उस चीज का ध्यान रखा है, बट इस एक्सपेरिमेंट को जब आप मैथमेटिकली ले जाओगे तब दिक्कत आना स्टार्ट होगी। तो फेराडे बोले कि यार लेंज, अब ये तो दुविधा में डाल दिया, अब क्या करें? तो लेंज बोला कि मैं कर सकता हूं इसको। तो फेराडे बोले, ठीक है कर दो, बट लेंज ने बोला एक शर्त रखो कि मैं जो भी करूंगा ना, तो मेरा नाम भी जोड़ देना, आपके साथ साथ मेरी भी थोड़ी वाहवाही हो जाएगी। तो लेंज ने क्या किया, लेंज ने बोला कि जैसे न्यूटन्स ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन दिया, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो सिमिलरली आपका ये जो करंट फ्लो कर रहा है ना कॉइल के अंदर, आपका ये जो करंट फ्लो कर रहा है इस कॉइल के अंदर, ये क्या कर रहा है, इसकी डायरेक्शन किससे डिसाइड हो रही है? इंड्यूस ईएमएफ से डिसाइड हो रही है। तो ये इंड्यूस ईएमएफ की जो पोलरिटी है वो कुछ इस तरीके से सेट है कि ये जो मूवमेंट करवा रहे हो ना, इस बार बार मैग्नेट का जो मूवमेंट करा रहे हो, इसको अपोज करना चाहिए। तो फेराडे बोले कि थोड़ा और डिटेल में समझाओ, है ना, जैसे अभी आपको लग रहा होगा कि सर थोड़ा और डिटेल में। अब देखो, सबसे पहले डिटेल में जाने के पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, है ना, कि पहले मैं साउथ और नॉर्थ कैसे हम लोग बनाते हैं वो बता देता हूँ। पिछली क्लास में मैंने बताया था, सपोज करो इस कॉइल में करंट इस तरीके से जाता है ना, तो हम क्या करना, राइट हैंड लेना। अभी इसको बायर सवार्ट और एम्पायर सर्कुटल लॉ में और अच्छे से बता दूंगा, बट अभी जान लीजिए जितना, क्योंकि अभी काम आएगा इस लेक्चर में हमें। तो हमें क्या करना है, कंडक्टर एक कॉइल है, कॉइल में जिस तरफ करंट जा रहा है चारों उंगलियां उस डायरेक्शन में कर दो और कर्ल कर दो, मोड़ दो। मोड़ देंगे तो जो अंगूठा है ना, थंब है ना, ये जो डायरेक्शन शो करेगा ये हमें नॉर्थ डायरेक्शन शो करेगा। तो सपोज करो अब इसमें मैं करता हूं, ये कर्ल किया, तो नॉर्थ कहां है, अंदर की साइड में है। सपोज करो ये मैग्नेट है ना, इसका नॉर्थ ये है इस साइड में, तो इसका अपोजिट कौन सा होगा, साउथ। तो अभी आपको सामने से क्या दिखेगा, नॉर्थ दिखेगा क्या? नहीं, नॉर्थ तो पीछे चले गया। बाहर से क्या दिख रहा है आपको, साउथ दिख रहा है। तो मैं यहां पे क्या बना देता हूं, साउथ।
अब सपोज करो करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होता, करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होता, तब आप क्या करते? कुछ नहीं सर, चारों फिंगर्स हम लोग इस करंट के डायरेक्शन में रखते, मोड़ देते, ये थंब क्या दिखाता हमें? नॉर्थ डायरेक्शन। ये बाहर नॉर्थ मतलब ये सपोज करो बार मैग्नेट रख लो, यहाँ नॉर्थ है तो सामने से क्या दिखेगा? नॉर्थ दिखेगा। वेरी गुड, तो ये आपको समझ में आ गया है ना। तो सिमिलरली अभी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब सपोज करो थोड़ी देर के लिए अपोजिशन फैक्ट लाना है यहाँ पे, है ना। जैसा आपकी फेराडे ने बोला कि यार लेंज समझाओ क्या है, तुमको दे देंगे तुम्हारा हिस्सा, हमारे स्टेटमेंट के साथ में तुम्हारी भी वाहवाही करवा देंगे। तो लेंज ने बोला देखो क्या हो रहा है, इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से है। हाँ ठीक है, कुछ इस तरीके से है, है ना। तो अब इसको अपोज कराना, मतलब हम पास में लेके आ रहे, तो यहां पर इस कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है, अभी मैं सारे करंट हटा देता हूं, है ना, इस कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो कुछ इस तरीके से फ्लो करना चाहिए कि इस मैग्नेट को, ये जैसे मैग्नेट हम पास में ला रहे थे, इस मैग्नेट को दूर भगाना चाहिए, अपोज करना चाहिए। मतलब कॉइल में जो वोल्टेज की पोलरिटी बोल ले या करंट की डायरेक्शन बोल ले, वो कुछ इस तरीके से सेट होना चाहिए कि ये अपने ही कॉज को अपोज करे। इट अपोजेस कॉज ऑफ इट्स क्रिएशन, जिसने इसको बनाया उसी को अपोज करे। चलो कैसे समझाते हैं कि सपोज करो अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सपोज करो यहां पे मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए सारी लाइनें, कुल मिला के ये मानते हैं कि ये अगर पास में ले जा रहे हैं तो कॉइल कुछ इस तरीके से एक्ट करेगी कि इसको दूर भगाएगी। दूर कब भाग सकते हैं? दूर तब भाग सकते हैं जब यहां पर क्या हो जाए, नॉर्थ हो जाए और इस साइड में क्या हो जाए, साउथ हो जाए। कॉइल में कॉइल का जो करंट फ्लो होगा, करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी, उसका नॉर्थ इधर हो साउथ उधर हो, तभी क्या होंगे, ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर नॉर्थ इधर चाहिए आपको, नॉर्थ इधर चाहिए, तो इसका मतलब है अंगूठा ऐसे नॉर्थ में, तो करंट कैसा होना चाहिए, करंट क्या होना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए। करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या होना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन का, है ना। ये जो सॉलिड लाइन है बाहर के साइड में दिख रही है, ऐसी कॉइल है ना, ऐसी कॉइल है ये कुछ इस तरीके से है ना, बाहर की साइड में। तो देखो चारों फिंगर इस करंट के डायरेक्शन में रखो, कर्ल करो, थंब क्या दिखा रहा, नॉर्थ डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन। मतलब वर्चुअली यहां पर एक तरह का मैग्नेट फॉर्म हो रहा है, वर्चुअली एक तरह का मैग्नेट फॉर्म हो रहा है जिसका ये डायरेक्शन नॉर्थ होना चाहिए, तभी ये नॉर्थ क्या करेगा, इस नॉर्थ को अपोज करेगा और इसको कहीं ना कहीं दूर भगाने की कोशिश करेगा। तो ये है, दैट इज अपोजिशन, दैट इज अपोजिशन। अब देखो यहां पे करंट अगर डाउनवर्ड फ्लो करेगा तो सिचुएशन बदल जाएगी, डाउनवर्ड फ्लो करेगा इसका मतलब नॉर्थ इधर हो गया साउथ इधर हो गया, तो ये क्या करेगा, फिर अपोजिशन नहीं रहा। तो लेंज ने ये पूरा फेनोमेनन समझाया कि आपकी कॉइल में, फैराडे भाई साहब आपकी कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होना चाहिए, और करंट से ज्यादा अच्छा हम वोल्टेज की पोलरिटी या इंड्यूस ईएमएफ की पोलरिटी बोले कि इंड्यूस ईएमएफ की पोलरिटी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि ये जो आपका ये कॉज है ना, कॉज इसको अपोज करे, ये जो आपका, ये जो आप जिस मैग्नेट पास में ला रहे हो तो इसको अपोज करे, अगर दूर ले जाते तो अट्रैक्ट करते। इसको समझते हैं थोड़ा सा और अच्छे से। तो फेराडे खुश हो गए कि हाँ यार बात तो तूने सही बोल दी, अब क्या करें, आपको क्या इनाम दिया जाए। तो एक काम करो, किसने बोला, लेंज ने बोला कि आपने जो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला लिखा ना, एन डी फाई बाई डी टी, इस फॉर्मूले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सिंपली मैथमेटिकली एक माइनस पुट कर दो। क्या बोल दिया कि एक माइनस पुट कर दो और बोल देना पूरी दुनिया को कि माइनस किसने दिया, लेंज भाई साहब ने दिया, लेंज लॉ के हिसाब से आया। लेंज ने क्या बोला, एनीथिंग क्रिएटेड शुड अपोज कॉज ऑफ इट्स क्रिएशन, कुछ भी बना लो वो अपने ही कॉज का अपोज करेगा। जैसे हम और आप, हमारे पेरेंट्स, हमारा क्रिएशन कौन है, हमारे पेरेंट्स, हम उनको अपोज करते हैं लाइफ के एक लेवल पे जाके, जब हम थोड़े समझदार होते हैं जनरेशन गैप बोलते हैं, तो ये क्या लेंज लॉ है ना। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब ईंट से, क्योंकि सेम डायमेंशन में भी होना जरूरी है। इस लाइन को, सेम डायमेंशन वाली चीज को हम आगे के लेक्चर्स में समझेंगे, है ना, अभी यहीं पे होल्ड रखो। अभी सिंपली ये समझो कि लेंज ने क्रेडिट लेने के लिए, ये बात बताने के लिए क्या किया, फेराडे को बोला माइनस पुट कर दो और बोल दो कि ये लेंज लॉ ने दिया, और ये माइनस क्या शो करता है, अपोजिशन शो करता है, अपोजिशन शो करता है। तो अब देखो क्या हुआ, फेराडे के एक्सपेरिमेंट में कोई दिक्कत नहीं थी, वो ऑटोमेटिक उस अपोजिशन का ध्यान रख रहा था, करंट, क्योंकि हमने थोड़े फ्लो करवाया, करंट तो यहां पे जो भी मूवमेंट कर रहे थे उसकी वजह से करंट ने ऑटोमेटिक इस डायरेक्शन का, अपोजिशन का ध्यान रखा, अपोजिशन का ध्यान रखा ऑटोमेटिकली, है ना। तो इसलिए पूरी मशीन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है
क्योंकि एक तरफ तो क्या है मैथमेटिक्स है और एक तरफ है हमारा एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी या पहले से दिया रखा हो, तो वहां पे कई बार प्लस कई बार माइनस इसमें बहुत ज्यादा उलझते हैं स्टूडेंट। मैं अभी आपको इस लेक्चर में सारी चीजें क्लियर कर दूंगा और जब हम लोग इंड्यूस ईएमएफ की ईएमएफ इक्वेशन वगैरह डिराइव करेंगे ना और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो तो अब समझ में आया, तो लेंज ने फेराडे से मांगा कि ये मैं बता देता हूं आप माइनस पुट कर देना, पूरी दुनिया को बताना कि लेंज लॉ भी आपको साथ में पढ़ना है और हमारा फेराडे का जो था इंड्यूस ईएमएफ का, अब ये बन गया मॉडिफाइड फेराडे लॉ। क्या बन गया? मॉडिफाइड फेराडे लॉ। चलो इसको थोड़ा सा और समझते हैं, बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग। अब इसको लेंज लॉ को थोड़ा सा मैं दो हिस्सों में बांटता हूं, बेसिक लेवल और एडवांस लेवल, ताकि अलग अलग चीजें अलग अलग लेवल पे आपको बतानी है। देखिए जब कॉलेज वाइवा होता है ना, देखो आप पूरे मशीन पूरे पावर सिस्टम ये सब्जेक्ट ऐसे हैं कि इनमें अगर कुछ भी पूछा तो आपको जवाब इस तरीके से देना है, क्योंकि हर क्वेश्चन का जवाब 3 से 4 तरीके के लेवल पे हो सकता है। अब पता चले अपने कॉलेज में वाइवा दे रहे हैं और फैकल्टी आपकी उस लेवल पे नहीं चीजें समझ रही और आप एडवांस लेवल पे बातें कर रहे हैं तो आपको 0 नंबर मिल जाएगा। और आप बीएआरसी या इसरो के इंटरव्यू में बैठे हैं और जब वहां पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको डेफिनेशन भी उस लेवल की बतानी पड़ेगी। तो मशीन्स में ये बहुत ज्यादा होता है कि आपको अपनी सहूलियत सामने वाले के लेवल के हिसाब से आप अपने डेफिनेशंस को बदलना है। तो इसीलिए लेंज लॉ में मैंने एक बेसिक लेवल रखा है, एक एडवांस लेवल रखा है, ताकि अप्रोप्रिएट तरीके से जब कॉलेज में हो तो बेसिक लेवल बता देना, थोड़ा सा एडवांस लेवल के इंटरव्यूज या जहां बताने की जरूरत पड़ेगा, हाँ थोड़ा सा अच्छे लेवल का मुझे बताना है वहां पर वो बता सकते हो, ठीक है। चलो तो सिंपली यहां पे एक कॉइल है, एक बार मैग्नेट है। अभी बार मैग्नेट का ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, देयर इज नो फ्लक्स लिंकेज। इस कॉइल का इस मैग्नेट से कोई भी अभी लिंकेज नहीं हो रहा, इसकी जो फील्ड लाइंस है वो वहां तक नहीं पहुंच रही है। दैट मीन्स कि यहां पर अभी करेंट 0 है, ठीक है, स्टेशनरी पोजिशन में। अब हम क्या करेंगे, अब चलो अब हम इस बार मैग्नेट को क्या करते हैं, इसको हम लोग मूव करवाते हैं, कहाँ, इसके पास में ले जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसमें पास में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो ये कॉइल क्या करेगी, कॉइल कुछ इस तरीके से करंट रखेगी, इसके पास में जैसे ही जाएंगे हम, है ना, इसके पास में, इस कॉइल के पास में जैसे ही जाएंगे तो ये कॉइल कुछ इस तरीके से एक्ट करेगी, या वोल्टेज का पोलैरिटी कुछ इस तरीके से बनेगा या करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा कि यहां पर इसको अपोज करना। अब पास में ले जा रहे हैं तो इसको अपोजिशन मतलब कि इसको दूर भगाए, दूर भगाए इसका मतलब है कि इधर नॉर्थ बने और इधर साउथ बने। इधर नॉर्थ बनने का है मतलब कि ये कॉइल है, ये आउटर साइड का है कॉइल, है ना, इस तरीके से कॉइल ये आउटर साइड का है, तो इसका मतलब नॉर्थ इधर रहे, मतलब अंगूठा पहले ही कर लो इधर और कर्ल कर दो, तो इसका मतलब है कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड होगा, है ना, मतलब करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा अपवर्ड, ठीक है, ये ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा फ्रंट वाले इसमें, समझ में आया। तो देखो अब यहां पे क्या होगा, अपोजिशन आ गया। सिमिलरली अगर मैं यहां पे दूर ले जाता हूं इससे, है ना, अभी पास में ले जा रहे थे हम लोग, क्या कर रहे थे, पास में ले जा रहे थे, अब हम थोड़ा सा दूर ले जाते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, है ना, देखिएगा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये एरो डायरेक्शन, अब हम इस एरो डायरेक्शन को दूर ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, कुछ इस तरीके से ये कॉइल के अंदर वोल्टेज पोलरिटी या फिर हम बोले करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से सेट होगा कि इस कॉइल को क्या करेगा, अपोज करेगा। अब किसी चीज को अपोज करने का मतलब क्या, ये अगर ये ऑलरेडी दूर जा रहा है तो इसका अपोजिशन पास लाना, इसको पास लाना, ये पास कब आएगा, जब इस मैग्नेट को यहां पर साउथ बना दे तो अट्रैक्शन होगा। देखो यहां पर क्या था, रिपेल कर रहा था, यहां पर क्या होगा, अट्रैक्ट हो रहा, इसका मतलब साउथ इधर होगा तभी बार मैग्नेट को इधर खींचने की कोशिश करेगा, तो इधर रहेगा नॉर्थ और इधर नॉर्थ रहा तो थंब इधर कर्ल कर दो, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा क्या हुआ, करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो दैट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेंज लॉ। मजा आया क्वेश्चन में, क्वेश्चन नहीं था मतलब कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो धीरे धीरे अब ये अपोजिशन वाली चीजें आपके दिमाग में आने लगी होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं एडवांस लेवल पे कि एडवांस लेवल पे क्या बातें हुई, और इसके पहले मैं स्टेटमेंट बता देता हूं, द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट द ईएमएफ टेंड्स टू अपोज द कॉज विच हैज इंड्यूस्ड इट, ठीक है। ये हमारा क्या है, यहां पर क्या हुआ कि अपने ही कॉज का जो भी कॉज था उसको अपोज किया, इट टेंड्स टू अपोज, है ना, कोशिश कर रहे हैं अपोज करने की, जैसे यहां पे क्या कर रहे हैं, रिपेल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये बार मैग्नेट आती जा रही है, यहां पे रिपेल होते जा रहा है, उस इंटेंसिटी का उस डायरेक्शन में करंट
फ्लो होते जाएगा, ठीक है, इट टेंड्स टू अपोज। दूसरा है एक स्टेटमेंट, कभी ये भी बोलना हो आपको बेसिक लेवल पे, कि एनीथिंग क्रिएटेड शुड अपोज कॉज ऑफ इट्स क्रिएशन इन द सेम डायमेंशन। अभी सेम डायमेंशन वाली चीज ऐसी होती है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि अगर वोल्टेज कॉज है तो अपोजिशन का भी है ना वोल्टेज ही अपोज करेगा, वोल्टेज ही अपोज करेगा। जैसे यहां पर क्या है, अभी आपको मैं समझाना चाहूं तो ये बार मैग्नेट क्या है, बार मैग्नेट क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से हो रही है यहां पे कि यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही अपोज कर रहे हैं। तो ये चल फिर के कैसे हो रहा है, पहले वोल्ट पोलर इंड्यूस ईएमएफ की पोलरिटी, फिर करंट की, और उससे ही क्या हो रही है, ये सारी फील्ड लाइंस निकल रही है। इसका मतलब असल में अगर थोड़ा सा ब्रॉड माइंड से सोचें तो बार मैग्नेट का अपोजिशन कौन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही तो अपोज कर रही है, तो सेम डायमेंशन है ना। तो वोल्टेज का अपोजिशन वोल्टेज, स्पीड का स्पीड, इस तरीके से बात थे। ये अभी आगे चल के और अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको सेम डायमेंशन का मतलब क्या है, ठीक है। चलो अब एडवांस लेवल पे समझते हैं कि क्या होता है। अब सपोज करो हमें ट्रांसफॉर्मर के फॉर्म में अगर आपको चीजें समझानी हो किसी को कि यहां पर लेंज लॉ कैसे आपको समझाना है, ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल लिया हमने। यहां पर एक वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज, यहां से करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। अब इस कोर मटेरियल ले लिया, अभी ये मटेरियल क्या होता है, कैसे होता है, अभी आगे सब समझाएंगे हम। तो यहां पर करंट का कुछ डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रहा, करंट का डायरेक्शन इस तरीके से और वापस से ऐसे आ गया। तो यहां पर इस कोर के अंदर फ्लक्स सेटअप कैसे होगा, चारों इस एरो डायरेक्शन में चारों उंगलियां रखो, कर्ल कर दो, ये थंब क्या दिखाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब ओरिजिनेशन ऑफ फ्लक्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हो गया हमारा फ्लक्स फाई, फाई सेटअप हो गया, ये फाई पूरा पूरा इस कॉइल में सेटअप हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि हमें बताइए, है ना, आपसे क्या पूछा है, अब बताइए कि यहां पर ये जो इंड्यूस ईएमएफ है इसका पोलरिटी क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा है। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर आप देखेंगे कि पहले हम लोग क्या करें, दो चीजें करना है आपको। सबसे पहले ये सब हाइपोथेटिकल है ना, लेंज इस वोल्टेज इस इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन पता करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये हाइपोथेटिकली यहां से हमने सप्लाई को हटा दिया, इस कॉइल से हमने क्या कर दिया, सप्लाई को हटा दिया, और सप्लाई हटाने के बाद हमने इसको शॉर्ट सर्क्यूट कर दिया, क्या कर दिया, शॉर्ट सर्क्यूट कर दिया। शॉर्ट सर्क्यूट करने के बाद आपको क्या करना है, पहले से यहां पे पहले से जो फ्लक्स का फ्लो था, ये पहले वाला फ्लक्स का फ्लो कुछ इस तरीके से था, है ना, कुछ इस तरीके से था। तो इसका मतलब है कि इस कॉइल के अंदर फ्लक्स क्या करे, इस कॉइल के अंदर फ्लक्स जो भी इंड्यूस्ड फ्लक्स होगा ना वो इस तरीके से होना चाहिए कि ये हमारा एक्सटर्नल फ्लक्स है, इसको अपोज करें, इसको हम क्या बोलते थे थोड़ी देर के लिए, एक्सटर्नल फ्लक्स, है ना, ये जो फ्लक्स थे हमारा मेन फ्लक्स, इसको हम क्या बोलते थे, एक्सटर्नल फ्लक्स। तो इसके अंदर जो भी हमारा इंड्यूस ईएमएफ होगा, है ना, वो कुछ इस तरीके से होगा कि इसका जो इंड्यूस फ्लक्स है वो अपोज करे। इंड्यूस फ्लक्स का मतलब है अपोजिशन, मतलब कि ये हमारा फाई इंड्यूस्ड, ये उस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये उसकी उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। अब फ्लक्स इंड्यूस फ्लक्स नीचे आ जा रहा है तो करंट कैसे फ्लो करेगा, फ्लक्स नीचे, इसका मतलब थंब आपका नीचे हो गया, तो कर्ल इस तरीके से, इसका मतलब है कि यहां पे करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रहेगा तभी ये हो सकता है। देखो करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रहेगा तब ये हो सकता है। इन शॉर्ट ये समझिए कि जो फ्लक्स आपका सेटअप है उसको अपोज करना है, तो इस कॉइल के अंदर फ्लक्स अपोजिशन क्या हो, उसका अपोजिट डायरेक्शन में हमने फ्लक्स को इंडिकेट कर दिया, और इस फ्लक्स से, इंड्यूस फ्लक्स से हमने क्या करा कि करंट का डायरेक्शन देख लिया, है ना, अभी तक करंट से फ्लक्स का डायरेक्शन देख रहे थे, अब हमने क्या किया, इंड्यूस फ्लक्स का डायरेक्शन पता है, मतलब थंब पता है, तो कर्ल से हमने क्या कर दिया, करंट का डायरेक्शन पता कर लिया, करंट का डायरेक्शन पता कर लिया। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि लेट अस सपोज इस टर्मिनल को हम क्या बोल दें, है ना, इस टर्मिनल को हम बोल दें ए टर्मिनल और इसको बोल दें बी टर्मिनल, और हम ये भी बता दें आपको कि सपोज करिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और यहां पे इंड्यूस ईएमएफ ई है, तो बताइए इस ई का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, इस ई का वैल्यू क्या होगा, एन डी फाइव बाय डी टी, एन डी फाइव बाय डी टी होगा, क्योंकि ये जो ई है ये असल में ई ए बी है, ई ए बी है, और इसको और अच्छे से लिखना है तो E d साई बाय dt लिख देंगे।
अब यहां पर माइनस साइन नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना माइनस साइन? क्योंकि ये ऑलरेडी अपोज कर चुका है। अब देखो कैसे अपोज कर चुका है। देखो ओरिजिनल करंट हमारा कैसा था? ओरिजिनल करंट हमारा कुछ इस तरीके से था। ओरिजिनल करंट, ओरिजिनल वोल्टेज है ना, सप्लाई वोल्टेज और इसका करंट ऐसा था। तो यहां पर करंट क्या हो गया? करंट इस सप्लाई करंट को देखो अपोजिशन में हो गया। यहां पर पॉजिटिव पोलरिटी से करंट निकल रहा था, यहां पर भी पॉजिटिव पोलरिटी से करंट निकल रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा करंट का डायरेक्शन ये और करंट का डायरेक्शन क्या हो गया? रिवर्स हो गया। करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा था है ना, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बोल सकते हैं इस कॉइल में। तो यहां पर देखिए क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज करंट का इस कॉइल के अंदर करंट का फ्लो क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज हो गया कि नहीं? इस सप्लाई से ये करंट था ओरिजिनल करंट, जिसकी वजह से फ्लक्स एक्सटर्नल सेटअप हो रहा था। कॉइल ने इस तरीके से एक्ट किया कि इसको अपोज कर दिया। सेम ये हमारा करंट ऐसा था, अब ये करंट हमारा क्या हो गया? डिफरेंट हो गया, अपोज कर रहा। तो यहां पर अपोजिशन आ चुका है, तो अब हमें माइनस साइन नहीं लगाना है। अब हमें माइनस साइन नहीं लगाना है क्योंकि अपोजिशन करके हमने देखा और उसके हिसाब से पॉजिटिव से करंट निकलना चाहिए। तो वो देखो पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? प्लस एन डी फाइव बाई डी टी। सपोज करो सेम क्वेश्चन होता और यहां पर देखिए क्या होता है। यहां पे सपोज करिए एक्सटर्नल फाइ एक्सटर्नल वापस से ले लेते हैं हम लोग है ना। देखिएगा ये हमने ले लिया फाइ एक्सटर्नल। अब हमें क्या करना है? अपोजिशन कराना है। इसका मतलब पहले तो शॉर्ट कर दे इसको, पहले तो हम क्या कर दे, शॉर्ट सर्क्यूट कर देते, सप्लाई हटा दो, शॉर्ट सर्क्यूट कर दी ठीक है। और हमको क्या एज्यूम करने का बोल दिया था पहले कि चलो ये हमारा जो टर्मिनल है ये कौन सा ए और ये बी है ठीक है। अब इन्होंने बोल दिया कि अभी हमने प्लस और माइनस ऐसे लगा के दिया था ना आपको, अब यहां पे प्लस ले लेते हैं और यहां पे माइनस ले लेते हैं। अब ये ई वन का आपको बताना है क्या एक्सप्रेशन रहेगा ठीक है। तो हमने देखा कि यहां पे जो इंड्यूस ईएमएफ था वो बाकी सारी कहानी सेम चलेगी कि इस एक्सटर्नल फ्लक्स को अपोज करने वाला इंड्यूस फ्लक्स है ना, एक इंड्यूस फ्लक्स इसको हमारे फ्लक्स को ओरिजिनल फ्लक्स को अपोज कर रहा है। इसके हिसाब से करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होना चाहिए है ना, करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होना चाहिए। फ्लक्स थम नीचे कर्ल कर दिया कुछ इस तरीके से, अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है और यहां पर करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है। तो देखो करंट तो वही हो रहा है हमारा कि ओरिजिनल करंट जो था वो हमारा क्या था, कॉइल के अंदर अगर देखें तो लेफ्ट टू राइट, तो यहां पर राइट से लेफ्ट में, या फिर ऐसा भी बोले अगर इस तरीके से करंट जो फ्लो हो रहा है ये हमारा क्लॉकवाइज और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो यहां पर भी देखो करंट तो हमारा करंट का डायरेक्शन में ही है, बट यहां पे वोल्टेज की जो पोलरिटी वो हमने बदल के पूछा। हमने बोल दिया कि बी को पॉजिटिव कर लो, अब ए को निगेटिव कर लो, तब बताओ क्या होगा। तब हमारा क्या हो रहा है यहां पे कि देखो यहां पे अब निगेटिव से बाहर निकल रहा, पॉजिटिव पे एंटर कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अब यहां पर हमें जब ई लिखेंगे, हम ई लिखेंगे तो ई इक्वल टू ई वन इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल, किस टर्मिनल को आप पॉजिटिव ले रहे हो इस बात पे डिपेंड करेगा कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा क्योंकि उसने तो अपोजिशन कर दिया है। बट आपने वोल्टेज की पोलरिटी अपनी सहूलियत के हिसाब से अगर चेंज करी है, यहां पर देखो वोल्टेज की पोलरिटी जो फेनोमेनल हो रहा है उसके हिसाब से वोल्टेज की पोलरिटी अगर आपने रखी होती, जैसे कि यहां से सप्लाई वोल्टेज से पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, तो यहां पर भी पॉजिटिव से करंट अगर निकल रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी पोलरिटी जो हमने जो हमारा सप्लाई वोल्टेज था उसके बराबर ही रखी है। जैसे पॉजिटिव से करंट निकल रहा है वैसे ही पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, बट इस ओरिजिनल करंट के अपोज में है ये करंट। तो इसका मतलब है कि हमने यहां पे पॉजिटिव लिया क्योंकि अपोजिशन हो चुका है अंदर के अंदर। बट यहां पर हमारा क्या था, अपोजिशन तो था बट हमने वोल्टेज पोलरिटी डिफरेंट ले ली, तो जिसकी वजह से माइनस साइन आ गया। समझ में आ रहा? बहुत गहरी बात है ये, बहुत आसानी से समझ में नहीं आती बहुत सारे स्टूडेंट को, बट ये अच्छे लेवल के इंटरव्यू में लेंज लॉ को कुछ इस तरीके से समझाना है। इसलिए आप देखोगे कि इलेक्ट्रिकल मशीन में E इक्वल टू प्लस एन डी फाइव बाई डी लिखे या माइनस एन डी फाइव बाई लिखे, इसमें डिबेट है, दो धड़े बटे हुए हैं। इवन बहुत सारी किताबों में एक में किसी में प्लस लिया है किसी में माइनस लिया है। ओवर द टाइम जब मैं इंड्यूस ईएमएफ का इक्वेशन डिराइव कराऊंगा तब इस चीज को ध्यान रखना, ये वाला डिस्कशन ध्यान रखना, क्योंकि इस डिस्कशन पे और थोड़े से अच्छे लेवल पे मैं ले जाऊंगा इस डिस्कशन को, और वहां पे बताऊंगा कि कौन सी बुक ने क्या फॉलो किया और किसने क्या और हम हमारे लेक्चर में क्या फॉलो करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा।
ठीक है, समझ में आया। करना क्या था सिंपली कि सप्लाई वोल्टेज को हटाओ, सप्लाई वोल्टेज को हटाओ, फ्लक्स सेटअप कराने के बाद हटा दो, वहां पे शॉर्ट सर्किट कर दो। शॉर्ट सर्किट करने के बाद जो आपका ओरिजिनल फ्लक्स है, एक्सटर्नल फ्लक्स है, उसका अपोजिशन फ्लक्स खड़ा कर दो, उससे करंट डायरेक्शन बना दो। करंट डायरेक्शन आप देखोगे कि जो हमारा ओरिजिनल करंट है उससे अपोज करता हुआ दिखाई देगा, है ना। और अगर वो पॉजिटिव टर्मिनल से ही लीव कर रहा है, जैसे कि यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है, तो हम प्लस एन डी फाइव बाई डी लिख देंगे। और अगर उसका उल्टा कर रहा है तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी कर देंगे। सिंपल, इतनी सी बातें हैं। समझ में आया? इस डिस्कशन को नहीं समझ में आया एक बार और सुनना। चलो इसको और थोड़ा सा आसान बनाता हूं, है ना। सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं यहां पे। अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इफ इट इज अलाउड टू कॉज अ करेंट, ब्रैकेट में बाय शॉर्ट सर्क्यूटिंग द कॉइल, देन द करेंट इज सो प्रोड्यूस्ड वुड हैव एन इफेक्ट दैट अपोजेस द कॉज, है ना। ये अच्छी डेफिनेशन है, ये अच्छा बोलोगे और उसके बाद चीजें समझाने का बोले तो समझाओगे तो अच्छा नंबर मिलेगा इंटरव्यू में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, द इंड्यूस ईएमएफ ई इक्वल टू प्लस माइनस डी साई बाई डी टी, साई मतलब एन फाई, प्लस माइनस दोनों साइन आ सकते हैं, वेयर द साइन डिपेंड्स, ये साइन किस पर डिपेंड करेगा, लेंज लॉ एंड विच टर्मिनल इज टेकन एज पॉजिटिव, आपने कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव ले रखा है उसके ऊपर या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, देखो, है ना। क्योंकि यहां पे ए को हमने पॉजिटिव कंसिडर किया तो बिल्कुल सही था हमारा, प्लस आया, बी को जब पॉजिटिव कंसिडर किया तो हमारा माइनस एन डी फाइव बाई डी टी आया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को और भी थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं आ रही होगी, तो एक डिस्कशन और कर देता हूं जिससे ये वाली चीज और इजी वे में समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो यहां पर ये दो है ना, प्लस माइनस, प्लस आएगा माइनस आएगा, कौन सी चीज क्या आएगी, इसको मैं थोड़ा सा सोलेनोइड के फॉर्म में लेके आया हूं ताकि और अच्छे से समझ में आए। देखिए मैंने क्या किया है, एक बार मैग्नेट के ऊपर, या ये एक तरह का सोलेनोइड है जिसके ऊपर हम लोगों ने माउंट कर रखी है हमारी कॉइल, और इसका सेंस ऑफ वाइंडिंग कुछ इस तरीके से है, यहां पे एक बार मैग्नेट है। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि मान लीजिए मैं यहां से क्या करता हूं, इस बार मैग्नेट को इसके पास में लाने की कोशिश करता हूं। अब इसको पास में लाऊंगा तो ये कॉइल किस तरीके से एक्ट करेगी, ये कॉइल कुछ इस तरीके से एक्ट करेगी कि यहां पे बनाएगी साउथ और यहां पे बनाएगी, सॉरी यहां पे नॉर्थ और इधर साउथ, ताकि इसको क्या करना हो, ये पास आ रही तो इसको दूर भगाना, रिपेल करना है, तो इसका मतलब नॉर्थ इधर बनना चाहिए। अब नॉर्थ अगर इधर बनना है तो इसका मतलब है कि इस कॉइल के अंदर करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, थंब क्या शो करता है हमारा, नॉर्थ डायरेक्शन, फ्लक्स ऑफ ओरिजिन ऑफ फ्लक्स, तो इसका मतलब है कि कर्ल आपका क्या है, करंट क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से कर दोगे, इस तरीके से कर दोगे तो आपका क्या रहेगा, देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब करंट का डायरेक्शन कुछ डाउनवर्ड रहेगा तभी हमारा इधर नॉर्थ शो करेगा। डाउनवर्ड होने का मतलब है कि करंट कुछ इस तरीके से यहां पे हो और यहां से इस तरीके से जाता हुआ। अब हमने शॉर्ट सर्किट की जगह एक रेजिस्टेंस लग दिया, क्योंकि कोई ना कोई वायर है तो उसमें एक रेजिस्टेंस तो होगा, तो हमने एक हाइपोथेटिकली, है ना, ये होता नहीं, हाइपोथेटिकली हमने क्या कर दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अब रेजिस्टेंस लगाने के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और आपसे कोई पूछे कि इसको हमने पॉजिटिव एज्यूम कर लिया और इसको नेगेटिव एज्यूम कर लिया, और बताइए इस इंड्यूस ईएमएफ की इक्वेशन क्या होगी, तो अब आप बोलोगे कि एक रेजिस्टेंस है, अभी हमने थोड़ी देर पहले सोर्स के टर्म में देखा था। अब कोई भी रेजिस्टेंस में, देखो आपको पता है नेटवर्क थ्योरी में बता रखा है कि कोई भी पैसिव एलिमेंट, मतलब कि अगर रेजिस्टेंस है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव है तो करंट हमेशा पॉजिटिव से एंटर करता है। कोई भी पैसिव एलिमेंट में पॉजिटिव से ही क्या करेगा, करंट एंटर करता है। ये बात आपको नेटवर्क थ्योरी से पता है, तो इसका मतलब है कि इसके अक्रॉस हम वोल्टेज अगर देख रहे हैं तो यहां पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव से ही एंटर कर रहा है, तो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे जो हमारे फंडामेंटल्स है कि रेजिस्टेंस के अंदर जो वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है उसमें जो पोलरिटी है पॉजिटिव से ही करंट एंटर कर रहा है, इसका मतलब E इक्वल टू यहां पर एन डी फाइव बाई प्लस एन डी फाइव बाई डी टी लिखेंगे तो सही रहेगा। सिमिलरली अगर मैं यहां पर देखिएगा, ये मैं कॉपी कर लेता हूं यहां पर, ठीक है, इस सेकेंड वाले केस में लेते हैं, ये सेकेंड वाले केस में हम लोग लेते हैं, यहाँ पे पास में लाएंगे, तो अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसा ही चलेगा, बिल्कुल ये नॉर्थ होना चाहिए, साउथ होना चाहिए, नॉर्थ का मतलब डाउनवर्ड करंट, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, और ये ऊपर, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब मैं मान लो यहाँ पे पॉजिटिव इसको कंसिडर कर लूँ और निगेटिव इसको कंसिडर कर लूँ, अब तो क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है ना, कायदे से ये करेंट क्या होना चाहिए, करेंट क्या होना चाहिए, अंदर की साइड में आना चाहिए,
है ना, क्योंकि रजिस्टर से क्या होना चाहिए, पॉजिटिव से एंटर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है, इसका अपोजिट हो रहा है, ओरिजिनल फंडामेंटल्स का अपोजिट हो रहा है। इसका मतलब है कि हम ई को क्या लिखेंगे, माइनस एन डी फाई बाय डी टी, यहाँ पे निगेटिव साइन लेंगे। क्योंकि अब देखो थोड़ा सा ब्रॉडली सोचोगे ना, तो असल में हो क्या रहा है कि कॉइल के अंदर तो करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा कि इसके कॉस को अपोज करना है। अब आप ये पॉजिटिव कौन से टर्मिनल को ले रहे हैं, ये आपकी दिक्कत है। फेराडे के एक्सपेरिमेंट में ये दिक्कत नहीं थी, हमने कहा ली इंड्यूस ईएमएफ की बात ही नहीं करी, हमने तो डिफ्लेक्शन की बात करी, वो डिफ्लेक्शन ऑटोमेटिक उस अपोजिशन का ध्यान रख रहा था। बट जब लेंज ने बोला कि भाई इस जनता को कौन समझाएगा, इस अपोजिशन को मैथमेटिक्स में आप ले जाओगे यूज करोगे तो आगे चल के फेजर डायग्राम भी बनेंगे, तो वहां पे क्लियर करना जरूरी रहेगा। तो इसीलिए इस लेंज लॉ का इंपॉर्टेंस बढ़ गया, क्योंकि जब मैं मैथमेटिक्स फेराडे के एक्सपेरिमेंट और होल मैथमेटिक्स मशीन के बीच में ये लेंज है ना बहुत ब्रिज का काम कर रहा है, क्योंकि इस लेंज लॉ को अलग अलग इंटरप्रेट किया अलग अलग किताबों ने, और उसके हिसाब से आप देखोगे कि कई बार फ्लक्स से इंड्यूस ईएमएफ लीड कर रहा है, कई सारी किताबों में लैग कर रहा है, स्टूडेंट कंफ्यूज्ड पूरी तरीके से। बट ये कंफ्यूजन मैं यहाँ पे इस लेक्चर में दूर करूंगा, जब मैं इंड्यूस ईएमएफ की इक्वेशन डिराइव करूंगा तब इसको और डिटेल में ले जाऊंगा, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब देखो यहां पर क्या हो गया भाई, यहां पे तो करंट का डायरेक्शन नहीं बदल सकता, आपने अगर पोलरिटी उल्टी ली है तो उसका ध्यान रखो यहां माइनस में, यहां पे ध्यान रख लो भाई माइनस में, है ना। चलो अब देखो यहां पर सेम वापस हम लोग क्या करते हैं, ये एक एग्जांपल और लेते हैं। अब इस एग्जांपल मैंने क्या किया, देखो सेंस ऑफ वाइंडिंग बदल दी, वाइंडिंग्स का सेंस बदल दिया, इसका मतलब वापस से पास में ला रहे तो नॉर्थ इधर साउथ इधर, तो इसका मतलब करंट का डायरेक्शन देखो कुछ इस तरीके से, करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब सेंस ऑफ वाइंडिंग अगर बदल गया है तो ये देखो अब यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे इसको ए एज्यूम करता हूँ, इसको बी एज्यूम करता हूँ, और आपसे पूछूँ मैं थोड़ी देर के लिए कि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव ई इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर इंड्यूस ईएमएफ पॉजिटिव से तो वापस करंट निकल रहा है, निगेटिव से एंटर कर रहा है तो गलत है, तो ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाय डी टी बोल दोगे। अब देखो पहले केस को और थर्ड केस को देखो, ए को ही पॉजिटिव लिया, यहां पर भी ए को पॉजिटिव लिया, बट एक में प्लस एन डी फाई बाई डी टी और दूसरे में क्या है माइनस एन डी फाई बाई डी टी है। इसका मतलब कि आपने उस कोर के ऊपर वाइंडिंग किस वाइंडिंग का सेंस क्या रखा है, सेंस ऑफ वाइंडिंग क्या रखी है, इस बात पे भी प्लस आएगा या माइनस आएगा या डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रहा है कि सेंस ऑफ वाइंडिंग कितना इंपॉर्टेंट है, आपने ऐसे रैप किया या ऐसे रैप किया इसमें पूरा एक्सप्रेशन बदल जाएगा। देखो दोनों में ए पॉजिटिव है, दोनों में ए पॉजिटिव है, बट सेंस ऑफ वाइंडिंग से चीजें बदल जा रही है, तो इसका मतलब कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव कंसीडर करो ये भी डिपेंड करता है, प्लस सेंस ऑफ वाइंडिंग आप कैसी रख रहे हो इस बात पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। चलो अभी लास्ट केस देख लेते हैं। चलो तो अभी इस बार मैग्नेट को पास में लेके आ रहे तो वापस से क्या करोगे, सर यहां पर नॉर्थ यहां पर साउथ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तभी तो नॉर्थ इधर दिखेगा, ये अपवर्ड ये डाउनवर्ड। अब इसका मैं अपोजिट करता हूं कि इसको मैं माइनस कंसिडर करूं, इसको पॉजिटिव कंसिडर कर लूं ई, तो अब देखो यहां से क्या हो रहा है, पॉजिटिव से एंटर कर रहा है, इसका मतलब ई इक्वल टू एन डी फाई बाय डी टी, एन डी फाई बाय डी टी। तो इसका मतलब है कि देखो आपको एक बार अगर यहां पे पोलरिटी पता लग गई और आपको सेंस ऑफ वाइंडिंग से ये पता लग गया कि हाँ ये ठीक है और यही पोलरिटी से एंटर या लीव या मतलब रेजिस्टेंस के पॉजिटिव से एंटर कर रहा है लीव कर रहा है, ये सेंस हो गया तो आप बड़ी आसानी से प्लस आएगा माइनस आएगा दोनों बता सकते हो। तो इन चारों केस में कभी प्लस भी आया है कभी माइनस भी आया है, ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि कौन सा टर्मिनल आपने पॉजिटिव कंसिडर किया है और आपको सेंस ऑफ वाइंडिंग क्या है उस पर भी चीजें डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब है कि लेंज लॉ में प्लस आएगा या माइनस आएगा इसके लिए बहुत जरूरी है प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना, एक प्रॉपर सर्किट डायग्राम पहले से पता हो, पहले से अगर डॉट आगे चल के डॉट भी आएगा है ना कि पॉजिटिव नेगेटिव कौन सी पोलरिटी को कौन सी चीज कंसिडर कर रही, कौन से टर्मिनल को हमने पॉजिटिव कंसिडर किया है, इन सब बातों पर डिपेंड करेगा कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, ठीक है। बट मुद्दा यह है सिंपली कि भाई जो कॉइल है उसके अंदर अब कोई भी कॉज हो जिसकी जिस कॉज की वजह से वो करंट फ्लो कर रहा है उस कॉइल में उस कॉज को अपोज करेगा, है ना। जैसे अभी अगर मैं बात करूं पिछले यहां पे है ना हमारा जो ये था यहां पर ये जो अपोजिशन ये फ्लक्स का अपोजिशन किसकी वजह से हो रहा था, इस वोल्टेज की वजह से हो रहा था, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज से ही सारी चीजें होती है, सप्लाई वोल्टेज से ही करंट और करंट से ही फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा था, तो हमने अपोजिशन पहले है ना कैसे आया वोल्टेज, वोल्टेज से करंट, करंट से फ्लक्स,
तो हमने क्या किया, अपोजिशन भी वैसे ही किया कि फ्लक्स को पहले अपोज कराया इंड्यूस ईएमएफ से, उससे करंट, और करंट से वापस हमारा वोल्टेज पोलरिटी को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमने लेंज लॉ के बारे में डिस्कस कर लिया, एक बेसिक लेवल और एक एडवांस लेवल दोनों। ठीक है, कहां से शुरुआत करी थी हमने, बिल्कुल यहां पे फेराडे भाई साहब बैठे थे, लेंज आए, उनको चीज बताई कि भाई अपोजिशन है तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, बट ये ब्लाइंडली माइनस साइन नहीं लगा देना, कहीं पे आपने अगर ओरिएंटेशन वगैरह कंसिडर कर लिया है, पहले से सारी टर्म पोलरिटी वगैरह उस तरीके से रख दी है, ऑलरेडी अपोजिशन करा दिया है, तो फिर माइनस मत करना, क्योंकि अननेसेसरी फिर माइनस कर दोगे तो फिर आपने रिवर्स कर दिया है ना, इस चीज का ध्यान रखना। आगे चल के हमने देखा पूरा का पूरा, ये पूरा बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग ली, यहाँ पे सारे स्टेटमेंट देखे, उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से हो रहा है अपोजिशन, कि ऑलरेडी अगर एक बार अपोजिशन हो चुका है, ऑलरेडी एक बार अपोजिशन अगर हो चुका है और अपोजिशन के हिसाब से आपने टर्मिनल, अब देखो यहां पर हमने क्या है वोल्टेज के हिसाब से देखा था, और अगले एग्जाम्पल में हमने एक पैसिव नेटवर्क के हिसाब से देखा, पैसिव एलिमेंट के हिसाब से देखा था, दोनों में कंफ्यूज मत होना, है ना, दोनों ही चीजें डिफरेंट है, क्योंकि पैसिव एलिमेंट में क्या होता है, पॉजिटिव से एंटर करता है करंट, अगर पॉजिटिव पावर फ्लो कराना हो, और इधर सोर्स के हिसाब से अगर देखेंगे, सोर्स के हिसाब से देखेंगे तो पॉजिटिव से डिलीवर कब करता है सोर्स, जब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव करे तब पावर डिलीवर करता है, तो दोनों का सेंस डिफरेंट है दोनों एग्जाम्पल का। ठीक है, इस चीज का खासा ध्यान रखना। तो इसका मतलब है कि एनीथिंग क्रिएटेड शुड अपोज कॉज ऑफ इट्स क्रिएशन, दैट इज लेंज लॉ। मजा आया पूरी अंडरस्टैंडिंग में? तो ये सारी बातें आगे के लेक्चर जब हम लोग मशीन के अंदर घुसेंगे, अभी तो बेसिक बेसिक चल रहा है, जब अंदर घुसेंगे तो बहुत काम आने वाला है पूरा का पूरा डिस्कशन। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंड्यूस ईएमएफ के साथ। ओके, थैंक यू।